नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कैरी लेसवे का अचार बनाने का ट्रेडिशनल तरीका, जिससे आपको मिलेगा बाजार से भी बढ़िया अचार। ये अचार बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कैरी यानी कच्चा आम, जितने बड़े टुकड़ों में आप अचार में खाना पसंद करते हैं उतने मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, आधा किलो लेसवे, दो बड़े चम्मच दाना मेथी, दो बड़े चम्मच सौंफ, दो बड़े चम्मच जीरा, दो बड़े चम्मच कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स, दो बड़े चम्मच पीली सरसों की दाल, दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, तीन चम्मच नमक, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और एक लीटर तेल। कैरी लेसवे का अचार बनाने के लिए सबसे पहले लेसवे धोकर एक बर्तन में डालिए। इसमें पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबाल लीजिए। लेसवे फूलते ही फ्लेम बंद कर दीजिए। ध्यान रखिए, लेसवे फूटने नहीं चाहिए। लेसवे उबालते टाइम पानी में नमक हल्दी डालने से इनका कसैलापन खत्म हो जाता है और इनका कलर भी अच्छा दिखता है। फ्लेम बंद करने के बाद लेसवे गर्म पानी में से निकालकर सूती कपड़े पर फैलाकर सूखने के लिए छाया में खुली हवा में 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। साथ साथ कैरी भी धोकर सूती कपड़े पर फैलाकर सूखने के लिए छाया में खुली हवा में 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। अब उबले हुए लेसवों की टोपी हटा दीजिए। फिर एक बड़े बर्तन में लेसवे और कैरी डालकर सारा सूखा मसाला अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और इनको एक साफ सूखे जार में भर दीजिए। लास्ट में तेल हल्की सी धुआं उठने तक गर्म कीजिए और फिर फ्लेम से उतार कर ठंडा होने दीजिए। जब तेल हल्का सा गर्म रह जाए तब इसे कैरी लेसवों के जार में डालिए और साफ और सूखी जगह रखिए। पांच छह दिन में शानदार अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि तेल हमेशा अचार से 1-1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए, वरना तेल वाले सभी अचारों में फंगस आ जाती है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और भी बहुत सारी इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।